उत्तर प्रदेश के नोएडा में एक महिला को गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि निजी सुरक्षा गार्डों को भव्या रॉय ने जिस तरह गालियां दी उसने सभी को शर्मसार कर दिया। अब लोग सवाल करने लगे हैं कि जितना बड़ा शहर जितने बड़े लोग उतने बड़े गालीबाज। इंडिया की स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि एक तरफ निजी सुरक्षा गार्डों को गंदी से गंदी गालियां दे रही भव्या रॉय है जिसे हम सुना नहीं सकते, दूसरी तरफ कुछ दिन पहले एक महिला को गाली देने वाले श्रीकांत त्यागी हैं, इनकी भी गालियों को हम सार्वजनिक नहीं कर सकते। फिलहाल श्रीकांत मामले की गूंज अभी भी खत्म नहीं हुई है। हालांकि दोनों मामलों में योगी की पुलिस ने ना तो श्रीकांत त्यागी को बख्शा और ना ही भव्या रॉय को। अब आइए शनिवार को जिन भव्या रॉय की गालियों से हर कोई शर्मसार हो गया उस नोएडा की गालीबाज महिला के बारे में भी आपको बता देते हैं। जानकारी के मुताबिक नोएडा की सोसाइटी में गार्ड से गाली गलौज करने वाली भव्या रॉय पेशे से वकील है। महिला सोसाइटी के एक फ्लैट में रहती है। आरोप है कि गार्ड को गाली देने के दौरान भव्या ने खूब शराब पी रखी थी, जिसका वीडियो बहुत तेजी से वायरल होने के बाद पुलिस ने भव्या को गिरफ्तार कर लिया है। यह मामला 20 अगस्त का होना बताया जा रहा है। नोएडा के सेक्टर 128 में जेपी विज टाउन सोसाइटी है। यहां की रहने वाली भव्या रॉय करीब 5 से 6 बजे के बीच अपने होंडा सिटी कार से सोसाइटी से बाहर निकल रही थी। सोसाइटी के बाहर जाने वाली गाड़ियों का नंबर गार्ड नोट करता है। जब भव्या गेट पर पहुंचती है तो गार्ड गाड़ी का नंबर नोट करने लगता है। इससे गेट खोलने में कुछ सेकंड की देरी हो गई तो भव्या भड़क गई और गार्ड को भद्दी भद्दी गालियां देने लगी। किसी ने इसका वीडियो बनाकर शेयर कर दिया। इसके बाद कई प्रमुख लोगों ने इस वीडियो को शेयर कर भव्या पर कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। थोड़ी ही देर बाद पुलिस पहुंच गई और भव्या को गिरफ्तार कर लिया। इससे पहले नोएडा के ओमैक्स ग्रैंड सोसाइटी में गालीबाज श्रीकांत त्यागी ने एक महिला को धक्का मारते हुए भद्दी भद्दी गालियां दी थी, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद योगी सरकार का बुलडोजर गरजा था। श्रीकांत त्यागी को 14 दिनों के लिए जेल भेज दिया गया था। हालांकि त्यागी समाज इस कार्रवाई के विरोध में पंचायत कर सरकार के प्रति आक्रोश जता रहा है। औरतों की इज्जत की बात अलग होती है। आप इज्जत कर रही हैं? जो आई हुई है किसकी? 3 साल का पुराना केस है मैडम। और तू बोलेगा मैम आपको मामला बोल रहा है, इसको बहुत चुप रहे हाँ वो चुप रहे आप बोल रहे चुप रहे चुप शांति में रहती हूँ शांति में जाती हूँ। साले खाल छोड़ दूंगी इस हराम कर रही है तो मैडम बर्जी कर रहा है कितने प्यारी है यार। आप पहले बच्चे 3 लड़कियां आ रही है मेरे यहाँ।
तीन लड़कियां आ रही हो। आप